सो दोस्तों, अगर आप लोग विजन अर्न में पैन कार्ड वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखो। इस वीडियो में मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपना अगला स्टेप क्या उठाओ कि आपको ये पैन कार्ड वेरिफिकेशन या फिर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम ना हो। मैंने कॉमेंट पढ़ा है अपने वीडियो का और बहुत से यूजर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट को यही प्रॉब्लम है कि सर मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, सर मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, 7 दिन से 10 दिन से मैंने डाल के रखा हुआ है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, प्लस आपको बताऊंगा कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, इसी टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो तो लाइक जरूर कर दें। सो दोस्तों, सबसे पहला तो आपको ये करना है कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपको ये एनालाइज करना है। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको आपका अकाउंट लॉग आउट करके लॉग इन करना है। सबसे पहले ये कर लेना, देन आप चेक कर लो कि आपका एप्लीकेशन जो है वो अप टू डेट है या नहीं। दूसरा काम ये हो गया। अब तीसरा काम ये करना है कि आपको प्रोफाइल में जाके चेक करना है कि आपका प्रोफाइल में आपका नाम सही है या नहीं है। ओके, आपको प्रोफाइल में चेक करना है कि आपका नाम सही है या नहीं है। इससे दोस्तों क्या होगा कि विजन 11 का टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका प्रोफाइल में जो नाम है वही नाम आपका होगा तभी आपका हम अकाउंट वेरीफाई करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से चेक करोगे। उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको आपका प्रोफाइल चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है एंड ऊपर में प्रोफाइल का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चेक करना है, जो सबसे पहला वाला होगा ना, ये आपका नाम है। ओके, तो ये जो है ये आपका नाम है और यही नाम से आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड सब कुछ होना चाहिए तभी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोस्तों ऑलमोस्ट का जो है ना 90% का प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। आप लोग जाइए एक बार जाके चेक कीजिए, आपने यहाँ पे जो नाम डाला है वही आपके पैन कार्ड पे या बैंक डिटेल्स पे है या नहीं है। अब जिन लोगों ने भाई गलत नाम डाला है तो यह सिंपल है, आप इसको एडिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो बड़े आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको एडिट करो, देन फिर से पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स डाल दो। अगर आपका यहाँ पे गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देगा सामने से ही, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देगा। आप उसको फिर से डालो और इस बार नाम सही करके डालो। पहला आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। अब भैया ये भी सही है आपका, जो कि बहुत कम को होगा, यही ऑलमोस्ट का यही गलत रहता है। बट अगर आपका ये सही है, अब इसके बाद भी आपने पैन कार्ड डाल दिया, आपने पैन कार्ड डाल दिया, पैन कार्ड डाल दिया, तो अब क्या करें। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपने पैन कार्ड डाल दिया है तो अब आपको जो नेक्स्ट कदम है वो आपको वेट करना है 24 to 3 days, 72 आवर, आपको 72 आवर वेट करना है, क्योंकि पैन कार्ड आपको 72 आवर में वेरीफाई हो जाता है मैक्सिमम, मिनिमम 24 डे में, 24 डे में वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका 24 डे में वेरीफाई ना हो तो क्या करें, और माफी चाहूँगा 3 दिन में वेरीफाई ना हो तो क्या करें। दोस्तों कंपनी आपको 3 दिन में वेरीफाई कर देती है, बट अगर 3 दिन में वेरीफाई नहीं किया, इसका मतलब ये है कि कंपनी को आप पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, कंपनी को आप पे ट्रस्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि ये बंदा कुछ फ्रॉड एक्टिविटी करके इस एप्लीकेशन में खेल रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको जो क्या करना है, आप एप्लीकेशन में ज्वाइन हो, एप्लीकेशन में ज्वाइन होते ही अकाउंट वेरीफाई करो। ऐसा नहीं करना है आप लोग कि आपको 10,000 विनिंग कर लिया, आपने 10,000 विनिंग कर लिया, अब हम इसमें अपना पैन कार्ड लगाएंगे, बैंक डिटेल्स लगाएंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ चुतियाप्पा है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप एक सही में एक प्लेयर हो ना, तो आपको अगर आपने ये गलती कर दी तो मैं कहूँगा सबसे बड़े बेवकूफ हो। कोई भी न्यू फैंटेसी एप्लीकेशन में आओगे पहले अकाउंट वेरीफाई करो फिर खेलो, ठीक है। तो अकाउंट वेरीफाई होने के बाद ज़्यादा अमाउंट लगाओ। तो अगर आपका वॉलेट में पैसा ही नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको क्या कहेगी, ये बंदा फ्रॉड है या जेन्युइन है, घंटा पता है किसी को, ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल रहा फ्रॉड हो, शक भी नहीं होगा। तो आप उसी टाइम लगाओ आपका अकाउंट, तो उस टाइम यार 2 से लेकर 3 दिन के अंदर सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन आपने कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं की फिर आपका क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो दोस्तों सिंपल वर्ड है, एप्लीकेशन में, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन में बहुत से अचानक से एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, टीवी पर भी ऐड अब आप इसका देखने लग गए होंगे। आप ये एग्जाम्पल भी ले लो कि भाई 1,000 से इसका यूजर था, अब अचानक से 1 लाख हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप 1 लाख से 1 करोड़ ले सकते हो जो है, लेकिन इतना ज़्यादा 100 गुना इसका यूजर बढ़ गए हैं। तो भाई एप्लीकेशन में वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट होगा उसमें अचानक से वर्क बढ़ा होगा,
तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये भी एक रीज़न है। तो इससे बचने के लिए अब आप क्या करोगे, अगर आपका पैन कार्ड, दोनों का बता रहा हूँ, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स दोनों का बता रहा हूँ, कि अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा तो क्या करोगे। देन पैन कार्ड आपको जो डालना है, एक बात बता देता हूँ मैं, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स दोनों में नाम सेम होना चाहिए। अगर गलत हुआ, अकाउंट रिजेक्ट प्लस अकाउंट ब्लॉक, अलग अलग करना ही नहीं है भाई। बहुत से लोग मैं देखता हूँ, पैन कार्ड डाल दिया मम्मी का, बैंक अकाउंट डाल दिया अपना, पैन एक कार्ड डाल दिया पापा का, बैंक अकाउंट डाल दिया अपना, चाहे पेमेंट मेरे अकाउंट में आना चाहिए पैन कार्ड किसी का, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसका पैन उसी का बैंक, ठीक है। देन ये सही होना चाहिए दोनों। उसके बाद आप देख लो, अब आपका होता क्या है कि एक ये भी रीज़न है आपके पैन कार्ड को रिजेक्ट करने का, जो आप पैन कार्ड का फोटो अपलोड करते हो उसका इमेज क्लियर आना चाहिए, एकदम क्लियर, मक्खन की तरह क्लियर आना चाहिए, ठीक है। फोटो अच्छा क्वालिटी में क्लिक करो तब अपलोड करो, फ्रंट पेज का, ओनली फ्रंट पेज का। उसके बाद जब बैंक डिटेल्स का डालोगे, तो पैन कार्ड का अगर आपका अच्छा फोटो है ना दोस्तों, तो मैं कहूँगा कोई कायनात उसको नहीं रोक सकता अकाउंट वेरीफाई होने से। कुछ भी हो जाए, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा ही तो होगा, अगर आपका पैन कार्ड का फोटो क्लियर है तो, ठीक है। उसमें कंपनी को क्या चाहिए, आपका नाम दिखना चाहिए, आपका थोबड़ा दिखना चाहिए बस। पासबुक बैंक डिटेल्स में आप पासबुक डाल सकते हो, और बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो, और चेकबुक किसी का भी फोटो क्लिक करके अच्छे से डालो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ अच्छे से डालो, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी चालाकी करने से कोशिश करोगे तो भाई पेमेंट का मामला है ये, यहाँ पे पैसे का मामला है, तो कोई भी कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। ये एप्लीकेशन नहीं, कोई भी एप्लीकेशन जो है ना, अगर देखेगा कि कुछ भी फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी और आपका अकाउंट वेरीफाई भी नहीं करेगी। तो आपको मतलब अपने से जेन्युइन रहना है, ट्रस्टेड रहना है, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हमने हर एक काम सही किया, हर एक काम हमने सही किया, फोटो भी अच्छे क्वालिटी में डाले, बैंक डिटेल्स का भी अच्छा क्वालिटी में डाला, फिर भी अकाउंट वेरीफाई क्यों नहीं हुआ। तो इतना होने के बाद अब क्यों नहीं हुआ, तो अब तो भाई सिंपल है, ट्रैफिक की वजह से, लास्ट ऑप्शन नहीं हो रहा है तो ट्रैफिक की वजह से। तो अब आपको क्या करना है कि सिंपल में यहाँ पे आना है, कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, चैट विथ अस का ऑप्शन है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है वेरीफाई माई अकाउंट। चूंकि ये बोट है तो ये आपका ट्रांसफ़र कर देगा, बोट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये, बोट है ये, कोई ओरिजिनल कोई बंदा नहीं है जिससे आप हाय हेलो बाय कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो। तो ये बोट है, ये आपको बस गाइड करेगा, आपको कुछ ऑप्शन देगा, ये सब चूज करो, ये चूज करो, वो चूज करो, करते करते आपको बता देगा कि आपको ऐसे ऐसे आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, आपने ये गलती की है, ये करो वो करो, ये सब आपको ये बता देगा, लेकिन ये सब पहले से फिक्स है। तो लास्ट में जाके ये आपको ट्रांसफ़र कर देगा, ओरिजिनल जो बंदा होगा उस पर आपको ट्रांसफ़र कर देगा, उससे आप बात करोगे लास्ट में, ठीक है। इसका यूज़ करके बात कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है मेल। अब आपको क्या करना है, मेल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आ जाना है और यहाँ लिखना है वेरीफाई माई अकाउंट, वेरीफाई माई अकाउंट, ये लिख देना है, हाँ ये सही है। उसके बाद लिखना है हेलो सर, ये सेम यही डाल देना, चाहे कोई भी लैंग्वेज या फिर अपने हिसाब से देख लो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको प्रॉब्लम हो, हेलो सर प्लीज वेरीफाई माई अकाउंट। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे में आपको क्या करना है, अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ डाल देना है, प्लस पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट दोनों यहाँ भेज दो। इससे क्या होगा कि कंपनी के पास यहाँ भी चला गया, अब कंपनी का जो भी मेंबर यहाँ से देखेगा कहेगा भाई ये बंदा ने डायरेक्ट यहाँ भी भेजा है, ट्रस्टेड बंदा, आपका यहाँ से वेरीफाई वो कर देगा। आपको रिप्लाई आने का वेट नहीं करना है, हेलो फिर उधर से आएगा हाय हाउ आर यू, ऐसा नहीं, क्योंकि ये फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बात करना है, अपना पूरा मैटर लिखना है, सब भेज देना है, प्लीज़ वेरीफाई माई अकाउंट, ऑर्डर देना है, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं हो, ऑर्डर देना है आपको, प्लीज़ वेरीफाई माई अकाउंट, रिक्वेस्ट के साथ ऑर्डर दो कि सर मेरा अकाउंट वेरीफाई करो, ठीक है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने मेल कर दिया दोस्तों, मेल का रिस्पॉन्स करना किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन है तो आपके मेल का रिप्लाई वो करेगा, अगर रिप्लाई नहीं किया इसका मतलब है कि वो फेक है, आपका पैसा आज ना कल लेके भाग जाएगा, लिख के दे रहा हूँ, जो फैंटेसी एप्लीकेशन मेल का रिप्लाई नहीं करेगी वो एप्लीकेशन आपको फ्यूचर में आपका पैसा लेके भाग जाएगी। अगर किसी एप्लीकेशन के बारे में आपको चेक करना है कि क्या वो ट्रस्टेड है, जेन्युइन है, सेफ है, तो
मेल करो उसको, मेल का रिप्लाई आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ये सब मैं तरीका बता रहा हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इतने टाइप से कर सकते हो आप। यहाँ से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, जिसका गारंटी ले रहा हूँ मैं, यहाँ से भी हो जाएगा। उसके बाद इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर, तो इंस्टा पे आपको जाना है। एंड दोस्तों इंस्टा को तो मुझे नहीं पता, बट गाइड कर देंगे आपको। हो सकता है कि आपको ये बता दे कि इस पे मेल करो, ये करो, लेकिन हाँ रिप्लाई आता है, आप देख लो। ओके सर, यहाँ पे सामने से लिखा हुआ है, रिप्लाई आता है, रिप्लाई आपको मिलेगा। आप यहाँ से बात कर सकते हो कंपनी से और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से बात करना, यहाँ हाय हेलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फेसबुक और ट्विटर, दोस्तों देखो ट्विटर दिया हुआ है, और ट्विटर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ट्विटर पे जाके कुछ गलत मत लिखना, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट में अच्छे से प्यार से बोलना, सर प्लीज़ वेरीफाई माई अकाउंट। और हाँ, ट्विटर पे अपना बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड मत अपलोड करना, ठीक है। ट्वीट करोगे तो ना तो पैन कार्ड अपलोड करना और ना ही बैंक डिटेल्स, कुछ भी अपलोड नहीं करना, और बस अपना ई मेल आई डी दे देना। पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स अपलोड मत करना। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ऑप्शन है ये, ठीक है, क्योंकि पैन कार्ड ये तो पब्लिक हो गया ना, यहाँ पे आपको कुछ अपलोड नहीं करना है। अगर मैसेज में बात हो पाता है ट्विटर पे तो वहाँ कर सकते हो, लेकिन ऐसे पब्लिक में मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, बहुत से लोग वहाँ रहते हैं। इतना करने के बाद ये सबसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर 1% नहीं हुआ ना, तो यार नंबर ले लो, 9887083333, 4 3 है, लिख लो इसको, इस पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो भाई आप मुझे कमेंट करो, और आप मुझे ये सब का स्क्रीनशॉट दोगे, भाई मैंने ये सब किया है, डायरेक्टली नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ पे आइए और ये सब का मुझे स्क्रीनशॉट देना, सर मैंने ये सब ट्राई किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, तब मैं आपका प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सी यूजर है, सबका मैं कैसे करूँगा आप खुद सोचो, लेकिन अगर आप ये सारा प्रोसेस करके आते हो फिर नहीं होता, तब मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन करो मेरा चैनल, बाय बाय।